आप सोच रहे होंगे कि आज मैं किचन में ना होकर अगस्तु के बेडरूम में क्या कर रही हूँ। वेल, कभी कभी बच्चों से भी खाने की इंस्पिरेशन मिल जाती है। बच्चों को कलर्स कितने पसंद हैं ये तो हम सभी जानते हैं, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना अगस्तु के ही आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्टेशनरी से कुछ ऐसा यूज करूं जिससे मेरी रेसिपी और भी कलरफुल और मजेदार हो जाए। सो हियर आई एम, मैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बना रही हूँ, और क्या बना रही हूँ ये आपको किचन में जाके पता चलेगा। Confused? Don't be. अभी पता चल जाएगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। Well, इसकी शेप से थोड़ा सा तो अंदाजा हो ही गया होगा कि ये सेल्स हैं। Well, ये सेल्स अब बोट्स में जाएंगे और बोट्स में किचन में जाके बनाऊंगी, तो चलिए मेरे साथ। जब मैं छोटी थी तो जेली की एक अपनी ही पहचान होती थी। हर घर में जेली और क्रीम या फिर जेली और कस्टर्ड एक फेवरेट स्वीट डिश के नाम से जानी जाती थी, तो मैंने भी ठान ली कि मैं जेली को उसकी जगह वापस दिलाऊंगी। तो चलिए आज बनाते हैं जेली, लेकिन थोड़े अनोखे तरीके से। लेट्स मेक जेलो सेल बोट्स। मार्केट से जेली पैकेट्स लीजिए। मैंने 3 फ्लेवर्स के लिए हैं, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी एंड लाइम। इसमें अब आप पानी मिलाइए। अगर आप आधा पैकेट जेली लेंगे तो उसमें करीब 1/4 कप पानी मिलाइए। इस तरह से उसका कलर आ जाएगा। I have orange and now strawberry and finally lime, जिसका कलर ग्रीन है। Okay, इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं चम्मच के साथ। अब मॉर्निंग में मैंने संतरे का जूस निकाला था, and the smart thing is अब उसी के छिलके को मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल करूंगी। Okay, ये घोल तैयार हो गए। ये रहे वो छिलके, और अगर आपके पास रेडी नहीं है तो इसे प्रिपेयर करना बहुत आसान है। मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ। एक संतरा लीजिए, उसे बीचों बीच काटिए और फिर इसे एक छोटे से नाइफ से इसका गूदा निकाल लीजिए। ओके, तो ये अब इस तरह से बन जाएंगे। अब इसमें हम पोर कर देते हैं ये जेली का मिक्सचर, किसी में रेड, किसी में ऑरेंज, किसी में ग्रीन। इसी तरह सभी छिलकों को जेली से भर दीजिए। अब इनको सेट होने के लिए हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब इनके साथ हम कुछ मैजिक करेंगे। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। लीजिए इन्हें और एक बड़ी सी छुरी से वेजेस के शेप में काट लीजिए, इस तरह से, ताकि इनका शेप एक बोट के जैसा हो जाए। Look at them, beautiful. लाल हो गया, ग्रीन हो गया, अब ऑरेंज। ओके, तो इस तरह से आप इन्हें काट लीजिए, और अब एंड में एक बहुत मजेदार चीज हम यूज करेंगे गार्निशिंग के लिए। और तैयार है आपकी सेल बोट्स। जब भी मैं ये डिश बनाती हूँ ना, तो अगस्त अभी चला आता है मेरी मदद करने। Well, ये जेलो सेल बोट्स होती ही इतनी क्यूट और रंग बिरंगी हैं कि कोई भी बच्चा इन्हें बनाना चाहेगा, और इसी बहाने उनकी किचन के साथ भी पहचान हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को एक बार फिर। जेलो सेल बोट्स बनाने के लिए संतरे को बीच से आधा काट के उसके 2 हिस्से कर लें और अंदर से खाली कर लें। ऑरेंज जेली को तैयार करें और ऑरेंज के छिलके के कप्स में भर लें। फिर इन्हें फ्रिज में 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दें। सेट हुए ऑरेंज जेली कप्स को निकाल कर वेजेस शेप में आधा काट लें। अब ये एक बोट की शेप में बन जाएंगे। इन पर ग्लेज पेपर की बनी सेल्स को लगा दें और बच्चों को सर्व करें। चलो सेल बोट।